तीनों आप पूछे लगा नूना है कि कोई सौ के बता तो देख है कि ना है कि मैं पार्किंग में लगा दे गाड़ी ने आ रहा है मामा जी ने कही है आ रो एक आप रूम तो सी एक बार देख ले वैसा आगा पीतन करियो पार्किंग हर बारी ना देखा की बात क्या देखना क्या एक बता रहे एक बड़ो से एक भी बहुत रंग हुआ फिर तो इनकी इनकी वो भी तो रही है ना हाँ वो बैच से रही है ना ये तो पार्किंग भी करवा देंगे क्या पार्किंग करवाएंगे ये इसी पीछा नहीं वो कुर्सी से घायल ना बैठा था बुड्ढा पार्किंग को बोर्ड लाग रहा था ऊपर हाँ थारी पार्किंग है तुम्हारी पार्किंग पार्किंग अलग है अच्छा अच्छा नमक फिर तो जो हमें यहाँ पीछा न रही हम लगाते हैं पूरे पीछा न है देखियो हाँ देख छोड़ी हमारी फिर क्या करो मतलब पहले मंदिर चलो पहले रूम में तो फिर उतरो था मैं इधर हमने लिया है रूम तो इसलिए हम यहीं पर उतर गए गाड़ी से अब यहाँ पे हम अपना सामान रखने वाले हैं और सामान रख के फिर हम जाएंगे बाबा के दर्शन करने के लिए तो मैं आपको भी बाबा के दर्शन कराऊंगी आप मेरे साथ बने रहना ठीक है पहले हम अपना रूम देख लेते हैं इधर इधर हमने रूम लिया है तुमने सुबह किधर उन्हें तुमने फोन कर दिया पास में कमरा तो देखते हैं कितना बड़ा कमरा है चलो रूम तो देखते हैं अभी हम अपना रूम देखने जा रहे हैं हम सारे आ जाएंगे इस पे अरे ऐसे छोटे ले तो थम थी में एक में और फिर मामा जी एक में तो पहले बड़ा वाला तो देख लो कैसा है कितना बड़ा है मुने नो पूछ बड़ा ही लेनो है या अलग ही ले लेंगे क्या तो नॉनसेंस पीपल हम रूम ले चुके हैं अभी हम यहाँ पे अपना सामान रखने के बाद हम जाएंगे बाबा के दर्शन के लिए काफी बड़ा एरिया है यहाँ पे काफी सारे रूम हैं वो अच्छा लग रहा है सामने वो दिखा रही है ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ये अपना सामान रख के रूम में और अभी हम चलते हैं दर्शन के लिए किसने कही ये बात फोटू इससे कमा समझ रहे हो हाउ डेयर यू वो कार्ड वगैरह तो पूरे बाल को लगे जाते हैं मोबाइल जो भी देख कार्ड पे भाई ऑटो वाइड है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो ना ये बात बोलने की ना बहुत से बात पे रिपोर्ट मार दो यूट्यूब आईडी रिपोर्ट मार दो ये मेरे खिलाफ बड़ी साजिश रचा है अरे ओ अरे रुको यहाँ पे हमने दो रूम लिए एक रूम हम देख चुके हैं वो छोटा वाला है वो हमारे लिए और ये है बड़ा रूम जो अच्छा दोनों यही है ठीक है एक रूम ये लिया है हमने और एक ये लिया है दो रूम लिए हैं एक हमारे लिए नॉनसेंस पीपल हमारे साथ आया चलो चलो लेट करो चलो भैया अब हम चलते हैं दर्शन के लिए आ जाए
साथ हैं। कल जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने। मेरे तुरंत रेड वाली लेके जाने का मन कर रहा है। नानी ने मंगाया है? हाँ वो आदत। हाँ मंगाया है। गोनो यहाँ से हमने लिया प्रसाद। चलो ये हम आ गए दर्शन के लिए। यहाँ पे इस बार क्राउड बिल्कुल नहीं है। पिछली बार हम आए थे तब तो काफ़ी क्राउड था, लेकिन आज देखो बिल्कुल क्राउड ही नहीं है। अब की बार तो बाबा के दर्शन अच्छे से होने वाले हैं। दर्शन करने के बाद हम थोड़ा मार्केट में घूमे, हमने थोड़ी शॉपिंग वगैरह की। ले चार कर दे भाई। ये चार रुपया क्या है? क्या डब्बा होगा ये? आ लिया संजू, प्यारे लग रहे हैं है ना। हाँ और भी है। चल हम देखो मैंने खाना पैक करा है, ये भैया मेरे लिए रोटी बना रहे हैं। तो स्पेशल मेरे लिए रोटी बनाई जा रही है। देखो तवा रोटी। अभी हम बाहर थोड़ा वॉक करने के लिए आए हैं। सब सोच चुके हैं, कोई भी नहीं है। एकदम सुनसान सा रास्ता हो रहा है। फिर हम आए इधर वॉक करने के लिए। अभी हम रूम पे आ चुके हैं और अब हम करेंगे रेस्ट। ओके
सो अब मिलते हैं सुबह सुबह हम निकलेंगे यहाँ से बालाजी। सो अभी हम आपसे मॉर्निंग में मिलते हैं। अभी टाइम क्या हो रहा है? 4 बजे। अभी 4 बज चुके हैं और हम सोए नहीं है बिल्कुल भी। 4 से ऊपर हो रहा है, 4 से ऊपर ही हो रहा है टाइम और हम सोए नहीं है। चलो सब तो सोने नहीं दे रही है, ज़्यादा तेज आ रही है। बट एक तो ये संजो नहीं सोने दे रही है, ऊपर से ऊपर से हमारा फैन देखो इतना दिख रहा है, जबरदस्त है ना। मतलब ये फैन वॉइस निकाल रहा है कि सो मत, जगे रहो। तो एक ये फैन भी सोने दे रहा है। हमारी विनती है वो तो नींद तो एक्चुअली हमें भी आ रही है, बट क्या करें, 5 बज चुके हैं, 4:30 हो चुके हैं, 5 बजे हमारे दरवाजे पे नोक करने लग जाएंगे कि उठो उठो, अब कहाँ से सोए। तो इससे अच्छा जग ही रहे ना। सो ओके, 5:30 बजे हम बालाजी के लिए निकल जाएंगे। 5:30 बजे हम बालाजी निकल लेंगे यहाँ से। लास्ट 6 हैं और अभी 4:30 हो गए और हम सोए नहीं हैं। ओके तो मिलते हैं, अगर सो गए तो ठीक है।